Hello students, today we will start with the new chapter, that is chapter number 4, and the name of the chapter is Principle of Mathematical Induction. Short form में इसको हम PMI भी लिख सकते हैं, ठीक है? PMI means Principle of Mathematical Induction. Now ये क्या होता है? तो what is the statement of PMI? तो statement इसकी है बेटा, let PN be a statement involving the natural number n such that. मतलब आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट मींस एक फार्मूला होगा और उसके अंदर n इन्वॉल्व होगा. n किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर को. और इस तरह से होगा, नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? पी वन इज़ ट्रू, जिसका दूसरा मतलब होता है पी एन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू वन. इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब उस स्टेटमेंट में हम n की वैल्यू को वन पुट करेंगे तो जो उसका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगा? राइट हैंड साइड के. कई बार ऐसा होगा और कई बार ऐसा भी होगा वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है? और सेकंड पार्ट इसका है पी के प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू. इसका मतलब ये है, हम सपोज करके चलेंगे द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, और फिर उसकी हेल्प से हम प्रूव कर देंगे पी के प्लस वन इज़ ट्रू. मतलब ये मैंने नीचे बताया है, दैट इम्प्लाइज़ पी के इज़ ट्रू, दैट इम्प्लाइज पी के वन इज़ ट्रू. मतलब जब स्टेटमेंट के लिए ट्रू होगी, n इक्वल टू के लिए ट्रू होगी, तो वही स्टेटमेंट के n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी. तो ये हमें सपोज करना होता है, और इसकी इसको सपोज करके जो स्टेटमेंट आएगी उसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना होता है पी के प्लस वन इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. और अगर हम ये दोनों पार्ट करके दिखा देते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, तो हम कह सकते हैं देन पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन. मतलब वो जो एक स्टेटमेंट है, जो एक फार्मूला है या एक आइडेंटिटी है, वो हमेशा ट्रू होती है फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए. तो कुल मिला के इसके अंदर आपको एक आइडेंटिटी और एक फार्मूला और एक स्टेटमेंट प्रूव करने आएगी, ठीक है? तो उसको इस तरह से आपने क्या करना है? प्रूव करके दिखाना. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास एक स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर आपके पास क्या होगा? नेचुरल नंबर n इन्वॉल्व होगा. आपने क्या करना है? उसके अंदर पहले n को वन पुट कर देना है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है? वो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह से करते हैं. उसके बाद फिर आपने दिखाना है, अगर हम पी के इज़ ट्रू, मतलब n को k पुट कर दें, तो स्टेटमेंट हम ट्रू सपोज कर लें, और उसकी हेल्प से फिर हम प्रूव कर दें n को k प्लस वन पुट करके उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर वो स्टेटमेंट हम प्रूव कर दें कि वो ट्रू होगी k प्लस वन के लिए, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए. तो अगर ऐसा हम करके दिखा देते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप, तो हम कह सकते हैं pn जो गिवन स्टेटमेंट है pn नाम की, वो हमेशा ट्रू होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n के लिए. तो ये है स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की. तो आपके एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट वन मार्क या टू मार्क की आ सकती है, तो इसको भी आपको लर्न करना होगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक. चलिए अब इसको हम सीखते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह से करने होते हैं, तो देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो क्वेश्चन वन लेते हैं. यूजिंग PMI प्रूव दैट a into b होल रेस टू पावर n इक्वल टू a रेस टू पावर n into b रेस टू पावर n कोमा, इसको बोलते हैं बेटा 4R. ये जो सिंबल होता है यहाँ पे, ये सिंबल जो होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको बोला जाता है 4R. अगर आपको ये सिंबल समझ नहीं आता तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4All. दिस इज़ 4All n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो यहाँ जो स्मॉल n है वो किसका मेम्बर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का. तो n बिलोंग्स करता है टू, बिलोंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ही ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और वैसे भी हमने लोअर क्लासेस में इंडिसेस वाला चैप्टर किया हुआ, उसमें होता ही है फॉर्मूला a इंटू बी होल रेस टू पावर n. क्या होता है? a रेस टू पावर n इंटू b रेस टू पावर n. तो ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है PMI की हेल्प से. तो देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले ये बिल्कुल, इसमें खासकर बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा आपको उसी तरह से या उससे मिलती जुलती प्रेजेंटेशन ही देनी है. अपनी तरफ से कुछ भी खास प्लस माइनस नहीं करना है, अदरवाइज़ क्योंकि ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए आपके मार्क्स इसमें कट सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं. तो देखिए कैसे करना होता है. सबसे पहली लाइन जो हमेशा आएगी हर क्वेश्चन में आएगी, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट गिवन बाय, ठीक है? लेट पी एन बी द स्टेटमेंट गिवन बाय, यहाँ पी एन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सच दैट. ये जो कॉलन मैंने बनाया ये वाला, इसको कॉलन बोल दें, और इसको रीड कैसे करते हैं? सच दैट, और इसके आगे ये स्टेटमेंट लिख देनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है आपको. तो क्या लिखेंगे? ए बी होल रेस टू पावर एन इक्वल टू ए रेस टू पावर एन बी रेस पावर एन.
ठीक है, तो पी एन सच दैट, इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने देखो स्टेटमेंट में क्या बोला था, हमने एन को क्या पुट करना है, वन, किस में, पी एन के अंदर, तो फोर एन इक्वल टू वन वी है। ये बिल्कुल इस तरह से ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना। फोर एन इक्वल टू वन वी है, इस स्टेटमेंट में एन की जगह हम वन पुट करेंगे, तो ये बेटा पी वन बनेगा सच दैट, यहाँ जब एन को वन पुट करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, और यहाँ जब एन को हम वन पुट करेंगे सॉल्व करने के बाद ये भी ए बी आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, ए बी इक्वल टू ए बी, ये स्टेटमेंट जो है ये वाली विच इज़ ट्रू, तो ये ट्रू होगी। दैट इम्प्लाइज अब ये स्टेटमेंट किससे रिप्रेजेंट हो रही है, पी वन से, तो कौन ट्रू हो गया, दैट इम्प्लाइज पी वन इज़ ट्रू। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आपने शो कर दिया पी वन इज़ ट्रू, ये शो करके दिखाना है आपको पी वन इज़ ट्रू। उसके बाद फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा। ये देखो यहाँ पे हमने पी के इज़ ट्रू इसको सपोज करके चलना है, तो जो सपोज करना तो क्या लिखना है, लेट पी के बी ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे जो के है वो भी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि लेट दिस स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं लेट पी के बी ट्रू। तो क्या करना होगा, ये जो हमारी स्टेटमेंट होगी पी एन नाम से, इसके अंदर हम एन को के पुट कर देंगे, दैट इंप्लाइज पी के सच दैट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी होल रेस टू पावर के, और सामने आ जाएगा ए रेस टू पावर के इंटू बी रेस टू पावर के। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे, इसका यूज़ करना है हमें आगे। अब इसके बाद हमने क्या बात करनी है, के प्लस वन, तो अब हम n को क्या पुट करेंगे, k प्लस वन, फोर एन इक्वल टू के प्लस वन वी है, और ये कहाँ पुट करना है आपने, इस स्टेटमेंट में, यहाँ n की जगह, यहाँ 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 और यहाँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी के प्लस वन, तो यहाँ से पी के प्लस वन आपके पास क्या बनने वाला है, सच दैट ए बी होल रेस टू पावर के प्लस वन इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस वन इंटू बी रेस टू पावर के प्लस वन। तो ये आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लेट पी एन बी दी स्टेटमेंट गिवन बाय, ये लिखना होगा, फिर पी एन सच दैट लिख के उसके आगे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है वो आगे आप रिप्रेजेंट कर देंगे पी एन से। फिर एन की जगह पुट करना होगा, एन इक्वल टू वन वी हैव, तो बेटा ये आएगा पी वन सच दैट, यहाँ एन की वैल्यू पुट करने पे आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद ए बी इक्वल टू ए बी, और हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सबको पता है ए बी इक्वल टू ए बी ही होता है। That implies P1 is true. इसका मतलब ये true है, it means ये true है, P1 is true. अगले step में क्या करना होता है, Let P K be true for K belonging to N. ये बिल्कुल same question line आएगी, हर question में same आएगी, ठीक है। तो let P K be true, that implies जहाँ N है वहाँ क्या put कर देंगे, K. तो ये आ जाएगा P K such that A B raised to power K equal to A raised to power K into B raised to power K. ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद फोर पुट करेंगे एन को के प्लस वन वी है, इसी में पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, पी के प्लस वन, ध्यान रहे ये सच दैट ही होना चाहिए, गलती से कुछ स्टूडेंट यहाँ इक्वल लगाते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं यहाँ पे, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, कोलन का साइन आएगा, यहाँ सच दैट का साइन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी होल रेज टू पावर के प्लस वन इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू बी रेज टू पावर के प्लस वन। क्लियर यहाँ तक, यस बेटा। इसके बाद हमें लिखना होता है वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, ठीक है। तो जो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी पी के प्लस वन, उसको हम ट्रू करेंगे विद द हेल्प ऑफ पी के। तो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पी के प्लस वन का, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो आपके पास पी के प्लस वन स्टेटमेंट है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए बी रेज टू पावर के प्लस वन, ठीक है। तो ये वही ले लिया हमने ए बी रेज टू पावर के प्लस वन। अब आपने इस पावर को यहाँ ब्रेक कर देना है, क्यों ब्रेक करना है, उसका रीज़न है ये देखिए, मुझे फर्स्ट का यूज़ करना है। फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ए बी रेज टू पावर के, ए बी रेज टू पावर के, ये मुझे चाहिए ए इंटू बी रेज टू पावर के। तो बेटा यहाँ पे है ए बी रेज टू पावर के प्लस वन, इसलिए इसको ब्रेक कर देंगे ए बी रेज टू पावर के इंटू ए बी। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ए बी रेज टू पावर के की वैल्यू क्या है, ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के फ्रॉम इक्वेशन वन।
तो ए बी रेज टू पावर के की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये देखो ए रेज टू पावर के, बी रेज टू पावर के, ये सेम रहेगा यूजिंग इक्वेशन वन। अब इस ए को हम ए रेज टू पावर के से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस बी को हम बी रेज टू पावर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है बे सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ए रेज टू पावर के प्लस वन आ जाएगा और यहाँ बी रेज टू पावर के प्लस वन आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर, तो के पी के प्लस वन, ये जो स्टेटमेंट है इसका राइट हैंड साइड क्या है, ए रेज टू पावर के प्लस वन, बी रेज टू पावर के प्लस वन, ये हमें लेके आना था। और आप देख रहे हैं ये आ चुका है, ए रेज टू पावर के प्लस वन इंटू बी रेज टू पावर के प्लस वन, और यही है राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन। इट मीन्स आपने क्या शो कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट पी के प्लस इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट पी के प्लस वन, जिसका दूसरा मतलब होता है दैट इंप्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट पी के प्लस वन है वो ट्रू होगी। लेकिन किसकी हेल्प से किया, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये देखो बेटा, इसके सामने कौन सी स्टेटमेंट थी, पी के, तो पी के से रिप्रेजेंट थी स्टेटमेंट, तो इसका मतलब हमें लिखना होता है पी के प्लस वन ट्रू तो हुआ, बट वेन एवर, कब ट्रू हुआ, वेन एवर पी के इज ट्रू। तो आपको मैं दिखा दूं, जब हमने इसका डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें भी यही था, पी के प्लस वन इज ट्रू इम्प्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो देखो यही स्टेटमेंट बिल्कुल हमें यहाँ लिखनी होती है, दैट इम्प्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। और लास्ट में एंड कैसे करना है, हर क्वेश्चन के लास्ट में ये दोनों लाइन आएंगी आपके बेटा, हर क्वेश्चन में ये लास्ट की टू लाइन सेम टू सेम आएंगी, इसको लर्न करना है आपने। हेंस बाय पी एम आई कोमा, तो क्या प्रूव कर दिया, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।